हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपके कनेक्शन में पास्ट एनर्जी क्या थी और आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है आप उतना रखें, मतलब के फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और सेकंड ये कि मैंने आप लोग के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स शॉर्ट्स के नाम से। वो शॉर्ट्स रीडिंग का चैनल है, तो उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो आप उस पर भी जाके शॉर्ट्स रीडिंग को देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जोडिक साइन के हिसाब से होते हैं। वहाँ पे मतलब के रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोनों चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। पास्ट, सबसे पहले देखते हैं सृष्टि में पास्ट क्या हो रहा था। जिस कनेक्शन में आप स्टक या जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, उस रिलेशनशिप में पास्ट क्या था, आपके पर्सन और आपके बीच पास्ट, पास्ट का ट्रुथ। जैसे मतलब कि अब हम ये नहीं बात करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या थी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था पास्ट में, उसका ट्रुथ क्या रहा। ठीक है, आपके कनेक्शन की पास्ट एनर्जी, इस रिश्ते में पास्ट में क्या हो रहा था। जिस पर्सन के लिए देखना चाह रहे हैं उस पर्सन को मेडिटेट करें। मेरी आपकी रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास। ओके, फाइव ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर काफी वर्कोहॉलिक रहे हैं, आप इमोशनली अकेले ही सफर करते रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर, आप यहाँ पर इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ पास से ही फोर ऑफ वैंड्स के ख्वाब देख रहे थे, मैरिज के, कमिटमेंट के। ठीक है, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाह रहे थे। स्टार्टिंग से आपका माइंडसेट पास से ही था जब आप इस रिश्ते में कनेक्ट किया था, तो मतलब कि आपके अंदर कोई डायलमा नहीं था, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, आप कोई एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में नहीं थे, आप क्लियर थे अपने माइंड में। ठीक है, आपको मैरिज और कमिटमेंट को अप्रोच करना है। ठीक है, आपका माइंडसेट ये रहा है मैरिज इस रिश्ते में। ठीक है, आप काफ़ी अनकंडीशनल लव इस पर्सन के लिए फील करते आए हैं। आपने अनकंडीशनली, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इस रिश्ते में भी आए ना, तो बहुत एक मतलब कि आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। आप इस रिश्ते में एक स्टार्टिंग में जो आप एंटर कर रहे हैं ना, इमोशनली बहुत एक लॉस वाली एनर्जी। शायद आपका इस जब आप पास में इस रिश्ते में एंटर करे हैं, तब आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। ठीक है, किसी रिश्ते के ख़त्म होने के बाद इस रिश्ते में आप आए थे, या तो आपको जैसे कि होता है ना, एक पेरेंटल वो सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से आपका एक चाइल्डहुड वाउंडेड हो सकता है, या आपको इमोशनल वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस आपको अपने गिर से कभी मिला नहीं। ठीक है, आप एक अनकंडीशनल लव की तलाश में, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तलाश में आप रहे हैं। ठीक है, आपको एक टीम वर्क करने वाला पार्टनर, एक टीम वर्क करने वाला क्लियर कट, आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी जब आप अपने पर्सन की लाइफ में आए। बहुत आप खुद भी क्लियर होकर आए, आपका माइंड भी क्लियर था कि अगर आप अपने पर्सन, आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को चूज करेंगे तो मैरिज के लिए करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए सोचेंगे। क्योंकि आप जैसे कि वैसे ही आप प्यार के भूखे थे, आप वैसे ही एक इमोशनल बैलेंस चाह रहे थे अपनी लाइफ में, अनकंडीशनल लव चाह रहे थे। आप इमोशनली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं रहे हैं, आपकी इमोशनल लाइफ वुंडेड रही है या डैमेज रही है। जब पास में आपने इस रिश्ते में कनेक्ट किया है, तो बहुत क्लियर थॉट के साथ किया है। ठीक है, प्योर इंटेंशन के साथ किया है, ऑनेस्ट लव के साथ किया है। आपका माइंडसेट इस रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर रहा है, लेकिन आप बहुत जैसे कि होपलेस रहना, आप काफी होपलेस रहे हैं जब इस रिश्ते में एंटर कर रहे थे। कोई लॉस हुआ है, किसी आपने कोई डेथ देखी है अपनी लाइफ में, या तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉस हुआ है, या तो आपकी लाइफ में कोई एक ब्रोकन हार्ट। ठीक है, आप किसी, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ब्रेकअप देखा है। ठीक है, या तो आपको कोई रिसेंट में कोई छोड़कर गया था, किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, पास्ट आपके रिलेशनशिप में, ये तो आपका ट्रुथ है। मतलब कि पास्ट में आप जब आ रहे थे, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आ रहे थे कि आपको टीम वर्क करना है, आपको बैलेंस बनाना है, आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन चाहिए। ठीक है, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। ओके, द एम्परर, हम्म,
काफी आपको एक स्टबर्न पर्सन मिला, ठीक है। जब आप अपने पास्ट कनेक्शन से एंटर कर रहे हैं इस रिश्ते में, तो ये आपको एम्परर लाइक पर्सनालिटी, काफी डोमिनेटिंग, काफी जैसे कंट्रोलिंग फिगर, ये पर्सन जिसके साथ भी आप कनेक्ट किया, आपने जिसके साथ आप मैरिज या कमिटमेंट के ख्वाब देखने लगे, जिसके साथ आपका माइंड क्लियर रहा, वो काफी डोमिनेटिंग था, बहुत स्लो पर्सन रहा है, ठीक है, बहुत स्लो। इसके साथ आपकी एनर्जी काफी टाइम तक एक ही पॉइंट पर स्टैग्नेंट रही है, मतलब कि ये रिश्ता इसके बहुत ज्यादा इगोस्टिक होने की वजह से या बहुत ज्यादा स्टबर्न होने की वजह से मूव ही नहीं करा है, ठीक है। बहुत आप लोग के बीच मुझे ऐसा लग रहा है सोसाइटी इशू रहे हैं, ठीक है, एज डिफरेंसेस रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंसेस बहुत है जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टैग्नेंट ही रहा है। आप लोग के बीच किसी तरीके की डिफरेंसेस हो सकते हैं या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसके आपने आपने एक अटैचमेंट फील करी है, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के साथ। इस रिश्ते की सक्सेस और इस रिश्ते की एक एक्शन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे इस रिश्ते में। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा, आपके आपको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर काफी सोसाइटी को लेकर बहुत सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी इस रिश्ते को मतलब क्या अप्रूव करेगी नहीं करेगी, आपके पार्टनर को अपने और आपको छोड़कर मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस मुझे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में प्यार व्यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टक थे, बहुत ज्यादा स्टेगनेंट रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के सोसाइटी, कास्ट, रिलीजियन डिफरेंसेस रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, आप लोग का रिश्ता एक जगह स्टैग्नेंट रहा है, आपके पर्सन के ईगो की वजह से, आपके पर्सन की डोमिनेटिंग एनर्जी की वजह से, आप बहुत स्टबर्न नेचर की वजह से, ठीक है, ये रिश्ता स्टैग्नेंट रहा। और आपके पार्टनर के माइंड में क्या था, लोग क्या कहेंगे, जो लोग इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन की फैमिली डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंसेस, एजुकेशन डिफरेंसेस या फाइनेंसिस डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस थे, आप इस पर्सन के लिए काफी मतलब कि एक क्लोज फ्रेंड वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा से पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत ज्यादा ओल्ड कनेक्शन या जो एक सोल टाई कनेक्शन, ठीक है, आप इस पर्सन के साथ वो फील कर रहे थे। ये पर्सन लोगों की वजह से आपको छोड़कर गया है, अगर ये आपकी लाइफ में अगर इसने कभी आपको अप्रूव नहीं करा है या आपको लगता है ये रिश्ता क्यों स्टेगनेंट रहा, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोसाइटी कॉन्शियस हैं, ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी, हिडन रिलेशनशिप रखना है तो रख लो, बात करनी है तो बात कर लो, लेकिन रिलेशनशिप में आगे क्या है, डिसीजन मेकिंग का नहीं बोलना, कुछ डिसाइड करने का ना बोलना, ठीक है, आपके पर्सन इस टाइप के रहे हैं। इस पर्सन की ईगो के ईगो या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या बहुत ज्यादा मतलब कि एक रिजिड और एक स्टबन होने का जो पीछे का रीजन है, वो आपके पार्टनर की सोसाइटी, फैमिली, इर्द गिर्द के लोग, वो एज, जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, वो डिफरेंसेस आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे, तभी ये रिश्ता स्टैगनेंट रहा है। लेकिन एक तो आप वैसे ही टूटे फूटे आ रहे थे और आपको यहाँ पर भी वो सहारा नहीं मिला, स्टक ही रहे हैं आप, लंबा अरसा आपने स्टकनेस में गुजारा है इस रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्टबन है, अगर ये कुछ सोच ले तो फिर ये अपनी हिलता नहीं है, ठीक है, अपनी सोच से, समझ से हिलता नहीं है, बहुत स्लो मूवमेंट यहाँ पे एनर्जी है, जैसे स्टगमेंट स्टक एनर्जी है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या रहा है पास्ट, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा जैसे आप समझ रहे हो, जैसे एक कंट्रोल करने वाला पर्सन, डोमिनेट करने, आपकी जो माइंड में इमेज है काफी स्टबन, एक बहुत ज्यादा जैसे अपने ही तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाह रहा है, अपने ही तरीके से चीजों को संभालना चाह रहा है, ठीक है। टावर, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई खास अहमियत नहीं थी, मैं इतना क्लियर कर दूं आपको, आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुद किसी टावरमेंट को फेस कर रहे थे, अपनी लाइफ में किसी टावर को फेस कर रहे थे, आपके पार्टनर ने इधर एंटर किया है, आपके पर्सन आप एक इमोशनल लॉस से, और आपके पर्सन जैसे किसी टावर हिट किया था आपके पार्टनर की लाइफ में, अब वो टावर हिट आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है इमोशनली आपके पर्सन शैटर्ड थे, आपसे दोस्ती हो गई, बात हो गई, वो बात डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन आपको लेकर क्लियर नहीं रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में बात तो कर रहे थे, आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन नजर आ रही है आपके पर्सन के माइंड में, आपको लेकर कोई खास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, बहुत कोल्ड रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि कंफ्यूज था तो कोल्ड भी था, बहुत ब्लंट भी था, बहुत प्रैक्टिकल भी था, बहुत प्रैक्टिकली एक रैशनल बिहेवियर भी था इस पर्सन का, शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी में था ये पर्सन, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहा है, रेडी नहीं था इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए, आपके पर्सन मेंटल ब्लॉकेजेस, ठीक है, आपके पर्सन मतलब बहुत ब्लॉक,
एक अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे थे, आपकी तरफ आने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, बहुत कंफ्यूज, बहुत जैसे कि एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत कुछ बिखर चुका है, ये उस टाइप का इंसान था जब आपको मिला है। इसी तरीके के इंसान से आपने अपनी जिंदगी ऐसे ही इस टाइम फ्रेम पे आपको मिला है, बहुत ज्यादा ही पर्सन जैसे कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ, ये जो किंग किंग ऑफ सोर्ड्स होता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है इसने, ये इसका फर्स्ट कनेक्शन नहीं था, और भी कनेक्शन रह चुके हैं, किसी इमोशनली ये डैमेज से गुजर रहा था। क्लैरिफाई टावर, क्लैरिफाई द टावर, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। कोई इमोशनली, कोई फैमिली रिलेटेड इसको कोई ट्रॉमा था, फैमिली रिलेटेड ये पर्सन खुश नहीं रहा है, फैमिली में इसका इतना बैलेंस नहीं था। अब इमोशनली देखिए, रिलेशनशिप भी हो सकता है, इमोशनली फैमिली की तरफ से भी कोई इसको सेटबैक मिला हो सकता है। क्लैरिफाई टावर, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी एंडिंग से अपनी लाइफ में, किसी रिलेशनशिप एंडिंग से गुजर रहा था, ठीक है। ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि जैसे कि बिल्कुल ये जैसे कि नर्वस कंफ्यूज, इसको क्या करना चाहिए इसको नहीं पता, ये ओपन अप नहीं हो रहा था, या ये एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं था। इसकी लाइफ में कोई पेनफुल एंडिंग हुई थी, ठीक है, रिलेशनशिप में। ये आपको सही से रिस्पॉन्स करना, या सही से आपको आपके ऑफर को ग्रैप करना, या आपके साथ कनेक्ट होना, या आपके साथ क्वालिटी टाइम, या अपने दिल की बात करना, नहीं, इसने बताया ही नहीं है। आपने इसके अंदर एक सैडनेस देखी होगी, बहुत ज़्यादा एक खालीपन, एक बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट एनर्जी देखी होगी, बहुत ज़्यादा जो जो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, जो बहुत ज़्यादा एक खोया खोया रहता है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, उसको कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाती। आपने इस पर्सन को इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ में किसी टावर से गुजर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग से गुजरा है, कोई रिश्ता इसका एंड हुआ है, कोई रिलेशनशिप इसका ख़त्म हुआ है, बिल्कुल। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है कनेक्शन रहा है, जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंडिंग हो रही थी जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, कोई टावर आपके पार्टनर के एक लव लाइफ को हिट किया हुआ था, आप भी कहीं ना कहीं एक एंडिंग से निकल रहे थे, आपको भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन आपने एक हिम्मत कर कर इस पर्सन को वो सपोर्ट दे दी, इस पर्सन ने आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दी पास में। आपको जो लग रहा था कि चलें आप हिम्मत करके इस रिश्ते पे काम करना शुरू करते हैं, बाद में आपको इस पर्सन से वो मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, पहले आप इसको तो ग्रो करें, पहले आप इसको तो सपोर्ट करें, पहले आप इसको तो हील करने में मदद करें, ठीक है। आपने एक फ्रेंडशिप में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है, इसकी इसको बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प करी, इसकी इमोशनल सपोर्ट दिया आपने, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप एंडिंग से गुजर रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था इसकी लाइफ में क्या गम है, क्या डिस्टर्ब एनर्जी, आप जानना चाहते थे कि किस तरीके का पेन है। कभी इसने डिस्क्लोज नहीं करा, कभी इसने आपके साथ एक वन टू वन कन्वर्जेशन नहीं करी, कभी इसने आपको अपनी लाइफ का कोई ट्रॉमा, या कोई भी अपनी लाइफ का अगर कोई फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, कभी इसने बताया नहीं है आपको, लेकिन मुझे रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ लग रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ इशू लग रहा है। कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इसने कोई अपनी लाइफ में देखा है, अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में आपके रिश्ते में क्या हो रहा है। मुझे इतना जरूर लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है ना, वो चीज अचीव नहीं कर पाया, आपका रिश्ता एक स्लोएस्ट एनर्जी में ही रह गया, बहुत स्टैग्नेंट ही रह गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रह गए आप इस रिश्ते की, इस पर्सन की ईगो प्रॉब्लम, इस पर्सन का इसको क्यों समझ नहीं आ रहा, ये क्या चाह रहा है, इसके दिल में क्या है, ये क्यों इतना लो एनर्जी में है, इसको क्या गम है, इसकी लाइफ में क्या इशू है। आप समझते समझते ही पास में आप पूरे हो गए, ठीक है, इसकी मतलब कि आप इसको समझना चाह रहे थे, इस पर्सन को समझना चाहते थे, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं आप इसको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे थे कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको अब तक शायद कोई आपकी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट हुआ उसने आपको प्रोटेक्ट नहीं करा है, ठीक है, उस पर्सन ने आपको समझा नहीं है, तो आप इसकी एनर्जी से एक आपकी जो एक अट्रैक्शन हुई थी ना, आपको लग रहा था इसके बिहेवियर से, इसकी डोमिनेटिंग एनर्जी से कि ये आपको पॉजिटिव वे में प्रोटेक्ट करेगा, ये डोमिनेट करेगा लेकिन पॉजिटिव वे में, लेकिन इस पर्सन ने आपको स्टैग्नेंट कर दिया, इस पर्सन ने आपको आपकी लाइफ को आपको स्टक करके रख दिया, जैसे कि ट्रैफिक जाम हो गया कोई बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है, आप कहीं स्टक रहे और ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और ही उलझन में अटका रहा, ठीक है, इर्द गिर्द के लोग,
इसकी लाइफ के ऑब्स्टिकल, इसकी लाइफ की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज, ठीक है, ये अपनी लाइफ में जहाँ से निकल रहा था आधा वहाँ फंसा हुआ था ये, और बिल्कुल भी जैसे कि अवेलेबल ही नहीं था कि आप इसको कुछ ऑफर देते और ये एक्सेप्ट करता खुशी खुशी, ना इसका माइंड ना इसकी इमोशंस, ठीक है। इसने पेनफुल एंडिंग थी सृष्टि में, पेनफुल एंडिंग हुई है, कोई ना कोई इस पर्सन ने जैसे कि अपना पास्ट में कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसको डैमेज करके गया है, कोई रिलेशनशिप एंडिंग हुई है। अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्रेजेंट आपके रिश्ते का क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम आपका इस रिश्ते का ऐसा है कि आप थोड़े से कोल्ड हो चुके हैं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हैं आप, ठीक है, होल्ड बैक कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ब्लॉक, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने के लिए आप, क्योंकि हद से ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं इस पर्सन की वजह से, आपने बहुत ज़्यादा पेन देख लिया, एक कोल्ड, इसकी कोल्ड एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा इससे डिटैच कर दिया, ठीक है। आप इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको इस रिश्ते या इस पर्सन की तरफ ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपको इसकी एनर्जी डिस्टर्ब कर देती है, आपको आपको जैसे कि इसकी एनर्जी एक लो लो एनर्जी में ले जाती है, आपको कंफ्यूजन में डाल देती है, आप यहाँ पर इस पर्सन को एक टॉक्सिक एनर्जी में देखते हैं, आप इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको वो सपोर्ट, वो एक केयरिंग, वो एक नर्चरिंग एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पाता, वो आपके लेवल पे आके आपको मैच ही नहीं कर पाता, आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाता, मतलब कि आपने एक इसकी जो इंटरनल फाइट थी ना, इसको वहां से निकालने के लिए बहुत हेल्प करी है, ठीक है। जहाँ ये डैमेज हुआ हुआ था आपने उस डैमेज को रिपेयर करने के, उसको उसके वूंड्स को हील करने की बहुत मदद करी है पास में, लेकिन इसने उल्टा आपको ही उस सब चीज़ों में स्टक कर लिया, उस उल्टा आपकी एनर्जी को लेने लग गया ये पर्सन, संभलने के बजाय इसने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो अब आप इसकी तरफ खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा लग रहा है आप एक्शन ना ही ले तो खुद को आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, आप अपने सेल्फ को अलाउ ही नहीं कर पा रहे कि आपको इस तरफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा पेन देख लिया इस रिश्ते में, पेनफुल एंडिंग देखी है, बहुत कुछ सहा है, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, अब आप क्लियर कट अपने सेल्फ को वैल्यू कर रहे हैं, आपका जैसे कि आपका जो एक माइंड सेट है ना, वो आप अपने सेल्फ के लिए क्लियर है और अपने सेल्फ के लिए सपोर्ट, अपने सेल्फ को ग्रो करना चाहता है, आपका जो एक इनर सेल्फ है ना, वो अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है, वो अपने आप को बैलेंस करने में लगा हुआ है। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मन मुताबिक पर्सन देखना चाहते हैं, आप इस वक्त इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, ठीक है, आप इस वक्त एक इंट्यूशन से गाइडेड हैं और अवेयर हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आप काफी एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, जो भी था आपको समझ में आ रहा है क्या है, आप बिना वजह इस पर्सन के एक इस ट्रॉमा में, इस टॉक्सिक एनर्जी में स्टक हुए, ये पर्सन आपकी नहीं सुनने वाला था, आपने बिला वजह से हेल्प आउट करके अपने आप को इम्बैलेंस कर लिया, खुद की हीलिंग चल रही है आपकी, आप अपने मुताबिक पर्सन, आप एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप जैसे आप खुद हैं आप उसी तरीके के पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बैलेंस पर्सन को, स्पिरिचुअल पर्सन को, ठीक है, आपकी एनर्जी काफी बैलेंस हो चुकी है, आप एक अवेकनिंग, आप इस वक्त इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, आपने कोई अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है, आप अवेकनिंग स्टेज से गुजरे हैं, आप जैसे कि आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, एक डिवाइन गाइडेंस से आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, आपका जो एक इंट्यूशन लेवल है उसने आपकी एनर्जी को चेंज करने में आपकी हेल्प की है, ठीक है। प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में, प्रेजेंट में और क्या हो रहा है, इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है। ओके, ये पर्सन एक स्लीपलेस नाइट में गुजर रहा है, बहुत ज्यादा एक स्लीपलेस नाइट गुजर रही है इस पर्सन की, ठीक है, आप इस पर्सन के ऊपर ध्यान देने की बजाय अपनी लाइफ पे दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे दे रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पे दे रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने आप के हीलर बने हुए हैं आप, ये पर्सन एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड है ये पर्सन, ठीक है, और कोई डिसीजन मेकिंग करने में कोई स्ट्रगल कर रहा है, ये अपनी मैरिज के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है राइट नाउ, लेकिन एक स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कुछ ना कुछ जिसके अंदर इश्यूज चल रहे हैं, इंटरनल कोई ना कोई कन्फ्यूजन से गुजर रहा है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि कुछ जस्टिस करना चाहता है, किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी ये पर्सन अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रक्टनेस, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहा है ये पर्सन।
आपकी पास्ट में एनर्जी इस पर्सन को समझने में गुजरी है, इसके ऊपर स्टक रहने में गुजरी है, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या इसकी जो आपको जो एक इसने आपको पहेली दे दी थी उसको उलझाने में, उसको सॉरी सुलझाने में गुजरी है। जो इसने आपको उलझा हुआ अपना दिमाग दे दिया था ना, अपना सेल्फ पकड़ा दिया था, आप उसको सुलझाते सुलझाते ही आपकी लाइफ के 5 साल, 6 साल, 7 साल ये खा गया, या 8 साल ये पर्सन, ठीक है, किसी किसी के 3 साल, किसी किसी के 4 साल, ठीक है। इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा, आप उसी चीज में स्टक रहे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या ईगो प्रॉब्लम है, इसको ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्टकनेस किस बात की है, फैमिली मान नहीं रही या तो बाहर के लोग नहीं मान रहे, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है, आपको इसको समझने की बजाय अपने आप को समझना चाहिए था, ठीक है, आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए था। आप खुद की एनर्जी पे स्ट्रांग वर्किंग कर रहे हैं, आप इसकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपका एक इंट्यूशन, आपकी अवेकनिंग अलाउ ही नहीं कर रही इसकी तरफ, कोई रिएक्ट करो, कोई एक्शन लो, इसको इसको कोई मतलब कि इसको रिएक्ट करके दिखाओ कि मैं बैलेंस हो चुका हूँ, नहीं, आप खामोशी से जैसे कि पतली गली से निकल रहे हैं, ठीक है, आप साइलेंटली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी में नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल लॉस को कैरी कर रहे हैं, होल्ड बैक करके बैठे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत सी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे एक होपलेस हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर या सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, होल्ड बैक की एनर्जी, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करे हुए, बहुत कन्फ्यूज है आपके पार्टनर, एक कन्फ्यूजन आपके पर्सन के अंदर चल रही है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, बात बिल्कुल नहीं कर रहा, आपसे कम्युनिकेट करने जाएंगे शायद तब भी आंसर ना दे, ठीक है। यहाँ पर फैमिली इशू हो सकता है, रिलीजियस कास्ट इशू हो सकता है, ठीक है, इसकी इस पर्सन की किसी मदर, कोई मदर मदर फिगर यहाँ पर इस पर्सन को शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कोई फैमिली भी इशू हो सकता है, लेकिन ये पर्सन कम्प्लीटली कन्फ्यूज है, कम्प्लीटली होपलेस है, सब बातें कम्युनिकेशन आपसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास कोई बात ही नहीं है करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके रिश्ते का फ्यूचर, आपकी लाइफ में इस रिश्ते में फ्यूचर में एक पीसफुल रेजोल्यूशन, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथ बैलेंस करते हुए, स्ट्रेंथ गैदर करते हुए, यंग यंग बैलेंस करते हुए मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज और कमिटमेंट करने जा रहे हैं या मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए कोई मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर भी हो सकता है, आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ फ्यूचर में मूव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपकी कोई मैरिज कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बहुत मतलब कि बहुत पीस, एक हैप्पीनेस की तरफ मूव कर रही है आपकी लाइफ फ्यूचर में, आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, कोई स्टेबल न्यू बिगनिंग, पावर में रहें, आपकी पावर आपको बहुत ज़्यादा एक इनकरेज कर रही है अपने एक अपने जैसे पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, आप अपने जैसा पर्सन अट्रैक्ट कर पा रहे, एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल फाउंडेशन, एक स्पार्क, ठीक है। आपकी इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर पॉसिबल है, बहुत स्टेबल बिगनिंग, ठीक है। आपकी एक आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, मतलब कि जैसे डिवाइन आपको इस रिश्ते में कोई एक और चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, आपके लिए कुछ न्यू क्रिएट होने जा रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है मेरी व्यूअर की तरफ से, मेरी व्यूअर यहाँ, मेरी व्यूअर के पार्टनर की तरफ से यहाँ पे फ्यूचर क्या रहेगा। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एक्साइटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू थ्रिल, कोई न्यू लाइफ आ रही है, कोई न्यू एंजॉय आ रहा है, कोई न्यू स्टेबिलिटी आ रही है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, लच्ची, आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर पास्ट में फाइट नहीं कर रहे थे, अवेकनिंग स्टेज है आपके पर्सन की, बिल्कुल आपके पर्सन आपके किंग ऑफ फ्रेंड्स बनेंगे, किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके लिए फ्यूचर में फाइट करता हुआ नजर आ रहा है, अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है तो रिमूव करेगा, ये आप लोग के बीच एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लेकर आएगा। इस पर्सन को जैसे इनकरेज किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ये पर्सन जैसे कि एक इस रिश्ते के लिए फाइट करेगा, स्टेबिलिटी के लिए फाइट करेगा इस रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको इन फ्यूचर किसी तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। हैप्पी फैमिली, बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब कि बैलेंस कर रही है एनर्जी, आप लोग एक सिमिलर पेज पे हैं, ये पर्सन आपके लिए फाइट कर रहा है इस रिश्ते में जस्टिस लाने के लिए, आपको कोई मैरिज या कमिटमेंट देने के लिए। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई सेवन ऑफ फैंस, यहाँ पे सेवन ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, स्टॉकिंग एनर्जी है, पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको देख रहा है, ठीक है भाई। ये आपके रिलेशनशिप में आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है,
स्टॉकिंग एनर्जी, ये पर्सन आपके ऊपर नजर बनाए रखने वाला है, आपके लिए चीजों को बैलेंस करने वाला है, अपनी फैमिली से फाइट करने वाला है, इस रिश्ते को हील करने के लिए, ये पर्सन इस रिश्ते को हील करने के लिए सब कुछ कर रहा है, इस रिश्ते में सक्सेस हासिल करने के लिए। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, साइलेंटली स्टॉक कर रहा है, साइलेंटली आपके ऊपर नजर रख रहा है, ठीक है, साइलेंटली, जैसे इंट्यूटिवली गाइडेड है, लेकिन साइलेंटली आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन से बाहर आने वाला है फ्यूचर में, और आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी देने वाला है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक वेटिंग पीरियड ऑफ होने वाला है, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहा है, लेकिन ये आपको अभी इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा क्योंकि ये आपको इस रिश्ते में आप जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो देना चाहता है, ठीक है, फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, और मुझे आप भी एक्साइटेड होते हुए सिमिलर लेवल एक बैलेंस पेज पे होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिन जिन लोगों के रिलेशनशिप का ये पास्ट रहा है तो फ्यूचर ये होने वाला है, अब लोग बोलेंगे फ्यूचर आते आते तक बैलेंस हो गई एनर्जी, मैं आप लोग के सामने शफल करके निकालती हूँ, मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखा करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप दोनों एक सिमिलर पेज पे इमोशनली एक दूसरे के साथ एक मतलब के रीयूनियन वाली एनर्जी है, ठीक है, फ्यूचर यहाँ पर एक रीयूनियन दिखा रहा है कि आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी, रीयूनियन, सक्सेस, फोर ऑफ पैंटिकल की एनर्जी, मतलब स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, जैसे कि एक इमोशनली ओपन अप होना, इमोशनली कनेक्ट होना, एक्शन लेना, ये एक्शन यहाँ पे एफर्ट आपकी तरफ से भी रहेगी और आपके पर्सन की तरफ से भी रहेगी, ठीक है, चलें यहाँ पे डिवाइन से यहाँ पर गाइडेंस लेते हैं इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। आप लोगों के कनेक्शन में और क्या हो सकता है, डिवाइन गाइडेंस इस रिश्ते के लिए क्या है, इस कनेक्शन में और नेक्स्ट क्या हो सकता है, रिवर के रिलेशनशिप में और नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है, वेट बहुत ज्यादा है, मेक द एफर्ट, कोई यहाँ पर एफर्ट करने वाला है, ठीक है, मेक द एफर्ट, किसी की एफर्ट आने वाली है, यहाँ पे कोई एफर्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपके रिलेशनशिप को एक चांस मिलने वाला है, ठीक है, बहुत बैलेंस एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, कोई एफर्ट करेगा इस रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके वाई क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है सही से, ठीक है, आप लोग को जानने की जरूरत है, एक दूसरे को और समझने की जरूरत है, यहाँ पे है वेट बहुत ज्यादा है, वेट करें, वेट यहाँ पर, वेटिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, वेट आपको सक्सेस दिलवा सकती है इस रिश्ते में, ठीक है, न्यू लव, एक न्यू रोमांटिक लाइफ, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में आ सकती है, चिल्ड्रन यहाँ पे कोई, किसी का चाइल्डहुड यहाँ पर बहुत ज्यादा वाउंडेड है, और किसी का यहाँ पर मैरिज हुई भी तो यहाँ पे चाइल्ड, भाई आपकी रिकनसाइलेशन है यहाँ पर, अगर कोई ओल्ड कनेक्शन है तो बिल्कुल फॉरगिविंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, प्लेफुलनेस, भाई अट्रैक्शन आप दोनों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, फ्लर्ट बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, ये सेपरेशन एंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक अट्रैक्शन का एक एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई लव अपना एक्सप्रेस करने वाला है, कोई लव अपना खुलकर आपको बताने वाला है, क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, वही मुझे यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स, कोई सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कोई यहाँ पर इस रिश्ते में जो आपको, जो आपसे फेस नहीं कर रहा है, जो आपसे छुप रहा है, या जो आपके साथ एक बैलेंस पे नहीं आ रहा है, या जो आपसे इस वक्त गोस्ट कर रहा है आपको, वो पर्सन किसी तरीके की सक्सेस चाहता है, यहाँ पर एक लव, एक लव पैशन इग्नाइट हो रहा है एक दूसरे के लिए, मैनिफेस्ट किया जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है, क्लैरिफाई न्यू लव, क्लैरिफाई न्यू लव, ओके मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग स्टेबिलिटी देखेंगे इस रिश्ते में, बहुत आप स्टेबल बैलेंस एनर्जी देखेंगे, जस्टिस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, मुझे यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है, क्लैरिफाई चिल्ड्रन, या तो यहाँ पर चाइल्डहुड वॉन्डेड है किसी का, या तो आपके और इस पर्सन के चिल्ड्रंस हैं आप लोग जिनकी वजह से एक साथ आएंगे, ठीक है, हेरोफेंट, मुझे ऐसा लग रहा है विजडम, यहाँ पे विजडम, यहाँ पे विजडम से आपका यहाँ पर कोई विजडम कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो एंडिंग है या तो आपके पास डिस्टेंस है, या जो आपका एक बैलेंस, आपका चाइल्डहुड बैलेंस हो रहा है, आप लोग के बच्चे आप लोग के बीच किसी तरीके के बैलेंस का बाइस बनेंगे, या आप लोग का चाइल्डहुड जो वाउंडेड था वो बैलेंस होगा, जब वो हील होगा तो आप लोग के बीच एक यूनियन की एनर्जी बन रही है, ठीक है, रिकनसाइलेशन की एनर्जी है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे किसी कोई माफ कर रहा है, कोई माफी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये वो वाली एनर्जी भी है।